इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने ये समझा कि रोज़ एंड कॉलम्स को हाइड कैसे करते हैं। अब हम यहाँ पे सीखने वाले हैं कि अनहाइड कैसे करना है। सी गाइस, अनहाइड करने की कोई भी शॉर्टकट कीज मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी, बट कुछ स्टेप्स ज़रूर यहाँ पे बताऊँगी जो आपको हेल्प करेंगे आपके डेटा को वापस कवर करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा जो ई कॉलम है उसके यहाँ पे जाके ये देखो, ये एक सिंगल एरो है, ये प्लस साइन है और ये डबल प्लस साइन है। देखो, प्लस साइन के साथ दो लाइन आ जाती है। यहाँ मैं डबल क्लिक करूँगी ना तो भी मेरा डेटा अनहाइड हो जाता है। आई शो यू वंस अगेन, यहाँ पे मैं डबल क्लिक करते गई तो मेरा डेटा धीरे धीरे पूरा ओपन अप होते जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा डेटा जो हाइड किया हुआ है। अगर मैंने इसी को स्ट्रेच भी कर दिया ना तो फिर भी मेरा डेटा क्या अनहाइड होते रहेगा, या फिर मैं यहीं पर राइट क्लिक करूँ और क्लिक कर दूँ अनहाइड, तो एच के बाद वो एक जो और भी कॉलम है वो अनहाइड हो जाएगा। ये एक साथ सारा नहीं हो रहा है, ये एक एक करके ही होगा। आप या तो फॉर्मेट ऑप्शन में आके जो हमारे पास अनहाइड कॉलम्स की जो ऑप्शन है उसको भी आप यूज़ कर सकते हो, तो ये आपके पास यहाँ पे डेटाबेस को हाइड करने की पूरी कोशिश करेगा। यहाँ पे मैं तो डबल क्लिक करते जाऊँ, विच विल हेल्प मी टू अनहाइड माई डेटा। ठीक है, तो ये हो गया कॉलम्स के लिए। अब हम रोज के लिए देखते हैं, सेम गोज विद द रोज। ठीक है, आपको क्या करना है, डबल प्लस साइन आते ही डबल क्लिक कर देना, तो इससे आपका जो रो है वो ओपन हो जाता है। आई शो इट वंस अगेन, 17 के बाद यहाँ पे 19 ओपन हो चुका है, अभी 18 भी ओपन हो जाएगा। मैं सिंपल डबल क्लिक कर रही हूँ, मैं ज़्यादा राइट क्लिक और ये सब पे प्रिफर नहीं करती, क्योंकि आई बिलीव वो डबल क्लिक वाला जो फंक्शन है वो ज़्यादा फास्ट तरीके से हो जाता है। या फिर आप क्या कर सकते हो, राइट क्लिक करना है अनहाइड, तो ये देखो ओपन हो गया। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा स्टेप था टू अनहाइड योर रोज एंड कॉलम्स। तो आप अगर पता है कि अरे ये डेटा डिलीट नहीं हुआ है, ये हाइड हो चुका है बाय मिस्टेक ली या फिर आपने खुद ही किया है, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसको वापस से कवर कैसे करें, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इसको कहा जाता है अनहाइड रोज एंड कॉलम्स।